कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं नाजिर साहब बहुत काबिल लीडर हैं, उनकी काबिलियत के बारे में दो राय नहीं है। भाभी को बहुत इज्जत देता हूँ मैं, मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं उनको माँ का दर्जा देता हूँ, लोगों ने जाना है मेरे को कि मैं उनको वाकई माँ की तरह मानता हूँ, कमर भाई मेरे बड़े भाई। तो आपके बीच में आपका ये भाई आपका ये बेटा मुसलसिल 5 साल आपके लिए लड़ रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, अपने ऊपर केसेस डाल ले रहा है, और एक तरफ जो जीते हुए है वो घर में बैठ करके 5-6 गुत्तेदारों के लिए मेहनत कर रही है, कमीशन खाने का काम कर रहे है। क्या कमर साहब के बाद क्या कोई नेता नहीं रहा दुर्वर्गा में? क्यों उनको मजबूर होना पड़ता है कि हमारे घर की औरतों को हम बाहर लाएं? इतने कसम कमजोर है, इतने नामर्द हो गए, इतने मुश्किल हो गए, शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखने वाला एक चंदू पाटिल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मुसलमान मोहल्लों में 30% करेगा, हिंदू एरे में 70% करेगा, ये कहां का इंसाफ? नासिर हुसैन उस्ताद जीत के आएगा तो 100% डेवलपमेंट हिंदू एरे में होगा, दलित मोहल्ले में होगा और मुस्लिम मोहल्ले का भी 100% डेवलपमेंट होगा। उसके अंदर ना इंसाफी करने का मिजाज नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं है। अगर दुनिया में आए हो तो सर उठा के जीना सीखो, जब अगर सर झुका के जीने से अच्छा है सर कटा लो। हुसैन इब्ने अली की शहादत को याद करना, खाली एक ऐसे कायद की जरूरत है आपको जो आपके लिए अपना सर कटाना भी जानता हो, आपके लिए लड़ना जानता हो, आपके लिए मरना जानता हो, और वक्त आए तो आपके लिए मरना भी जानता हो। नासिर में वो क्वालिटी है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। कांग्रेस के लीडर अपने कैंडिडेट की तारीफ नहीं कर रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि मोहतरमा बड़ी काबिल शख्सियत है, कांग्रेस के कैंडिडेट बड़े काबिल हैं, गुलबर्गा के डेवलपमेंट करेंगे, गुलबर्गा के इत्तेहाद को बरकरार रहेंगे, मिल्ली मामलात के लिए एक आवाज बनेंगे, कोई भी नहीं कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना है, नासिर उस्ताद अच्छा लीडर है, कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं नासिर साहब बहुत काबिल लीडर हैं, उनकी काबिलियत के बारे में दो राय नहीं है, काबिल लीडर हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं, दर्द रखते हैं, गरीबों के लिए हमदर्द हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पहल कर सकते हैं। सारे खूबियां नासिर उस्ताद में कांग्रेस वाले बता रहे हैं, आज वो बता करके एक नया मोड़ दे रहे हैं, एक नया ट्विस्ट दे रहे हैं। क्या ट्विस्ट दे रहे हैं बताओ, जीत सकते क्या नहीं जीत सकते? कांग्रेस का वोट बैंक कितना है? 50,000 हमारे हैं, 7,000 तुम्हारे हैं, 15,000 हमारे थे, 20,000 तुम्हारे हैं, कहां तक वोट लेंगे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए, ये हिसाब किताब का खेल नहीं है, इलेक्शन जमहूरियत हिसाब किताब का खेल नहीं है। एक दौर ऐसा भी था जब बोला जाता था कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर कांग्रेस से अगर गधे को भी टिकट दिया जाए तो जीत जाएगा, बोला करते थे कांग्रेस को आप गधे को टिकट दो जीत जाएगा, और वही इंदिरा गांधी जी जो है एक नौजवान किसान के सामने इलेक्शन हार गई, ये तारीख हिंदुस्तान की। ये जमहूरी निजाम, अगर ये हिसाब किताब करने वाले ये बुजदिल लोग अगर उस दौर में रहते जब 78 में 1978 में जब पहली बार मरहूम कमर इस्लाम साहब यहां पर गुलबर्गा के एमएलए बने, उस दौर में गुलबर्गा शहर के एमएलए मोहम्मद अली साहब, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट, उनके सामने एक नई पार्टी गुलबर्गा में आई मुस्लिम लीग से, अगर ये लोग होते जब हिसाब करते कि देखिए सिटिंग एमएलए इतने वोट है, ये इतने वोट है, तो शायद गुलबर्गा शहर में मरहूम कमर इस्लाम साहब भी एमएलए नहीं बन सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े गद्दावर लीडर, एसीसी के प्रेसिडेंट, गुलबर्गा शहर में बहुत डेवलपमेंट किया है, ऐलान किया, फरान किया है, क्या हुआ? एमपी इलेक्शन जीत के चले गए, 80,000 वोटों से जीते वो सेकंड, दूसरी बार 80,000 वोटों से गुलबर्गा की आवाम ने उनको जिताया, और पिछले इलेक्शन में चिंचोली का एक एमएलए जो 3 महीने पहले इस्तीफा देकर के आते हैं, सिर्फ 3 महीने पहले, गुलबर्गा पार्लियामेंट के भी नहीं है, वो 8 हलकों में जो पार्लियामेंट में आते हैं उन हलकों में भी नहीं है, वहां से यहां पर आते हैं, और सिर्फ 3 महीने में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर को
1,00,000 से ज्यादा वोटों से हराने का काम वो लोग करते हैं। भाई और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रखिए, जब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर को एक बाहर से आदमी आकर के हराता है, मोहम्मद अली साहब जैसे बड़े लीडर को एक नए नौजवान कायद लीडर वहां पर गुलबर्गा के आवाम जिता सकती है, तो आपके बीच में आपका ये भाई, आपका ये बेटा मुसलसिल 5 साल आपके लिए लड़ रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, अपने ऊपर केसेस डाल ले रहा है, और एक तरफ जो जीते हुए है वो घर में बैठ करके 5-6 गुत्तेदारों के लिए मेहनत कर रही है, कमीशन खाने का काम कर रहे है। आज आपके बीच में फैसला है, आपके बीच में फैसला है, आपके वोट उतने कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, हिसाब किताब का ये इलेक्शन नहीं है, आपको इंसाफ करना होगा, आपको इंसाफ करना होगा कि आप क्या फैसला लेंगे। ये पूरा गुलबर्गा नहीं बल्कि आतराफ के हैदराबाद कर्नाटका के अवाम आपके ऊपर नजर लगाए हुए बैठी है। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है, साजिद यहां पर बैठा है, जिलान यहां पर बैठा है, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है, 55 कॉर्पोरेटर है। गुलबर्गा की सीट मुस्लिम अक्सरियत की सीट है, यहां एक सेक्युलर मिजाज गुलबर्गा में चला है। आज इस फिजा को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चंदू पाटिल नॉमिनेशन फाइल करता है और तकारीर देता है कि गुलबर्गा नॉर्थ पाकिस्तान हो जाता अगर नरेंद्र मोदी नहीं आता, गुलबर्गा नॉर्थ का डेवलपमेंट जीत के आएगा तो 70% हिंदू मोहल्लों में डेवलपमेंट करेगा, 30% मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट करेगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसी घटिया सोच रखने वाला एक चंदू पाटिल भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मुसलमान मोहल्लों में 30% करेगा, हिंदू एरिया में 70% करेगा, ये कहां का इंसाफ। नासिर हुसैन उस्ताद जनता दल सेक्युलर का एक कैंडिडेट यहां पर मुस्लिम मोहल्ले में ठहर करके ऐलान कर रहा है, सुन लीजिए सोशल मीडिया के जरिए, हमारे हिंदू भाई भी सुन लीजिए, हमारा दलित भाई भी सुन लीजिए, नासिर हुसैन उस्ताद जीत के आएगा तो 100% डेवलपमेंट हिंदू एरिया में होगा, दलित मोहल्ले में होगा और मुस्लिम मोहल्ले का भी 100% डेवलपमेंट होगा। उसके अंदर ना इंसाफी करने का मिजाज नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं है। ये सीख हमारे मां बाप ने हमें नहीं सिखाई है, ये सीख हमारे इस्लाम ने हमें नहीं सिखाई है। गंदी जहन, छोटी जहन, सबसे ताकतवर दुश्मन हमारे सामने आ रहा है और हम लड़ाई के लिए किसको आगे कर रहे हैं, कौन आगे बढ़ना चाहिए लड़ने के लिए उस ताकतवर आदमी के साथ। हमारे दलित भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे तादाद में हमारे दलित भाई यहां पर मौजूद है, हिंदू माए यहां पर मौजूद है। मैं आपको कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आपका ये बेटा लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है। गलती से इस वोट की अहमियत को कम समझेंगे तो 5 साल तक पछताएंगे, 5 साल तक पछताएंगे। इसको जो है बेवजह किसी पैसे वालों की बात सुनकर, कॉर्पोरेटर की बात सुनकर, उनकी बात सुनकर नहीं, आपको फैसला करना है कि 5 साल नहीं, आगे आने वाले 20 साल तक हमको मजबूती के साथ गुलबर्गा शहर के अंदर हमको रहना है। आप तमाम लोग 10 तारीख को आप अपने आप के साथ इंसाफ कीजिए, आप मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, आप कौम के साथ इंसाफ कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ कीजिए, आप डेवलपमेंट के साथ इंसाफ कीजिए। आपका ये भाई 2 इलेक्शन लड़ चुका है, हारा है मगर हिम्मत नहीं आ रहा, आपके लिए लड़ रहा है, जब तक जिंदा हूं आपके लिए लड़ूंगा। मैं आपसे वायदा चाहता हूं, आने वाले 10 तारीख को आप नासिर हुसैन उस्ताद का साथ देंगे, साथ देंगे तो मजबूती से बोलिए, देंगे, हमारी माओ से कह रहा आवाज दीजिए, देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम। मैं आपका ज्यादा समय न लेके अपनी बात 2 या 3 मिनट में खत्म करूंगा, खाली आप गहरी बातों को अपने दिल में उतारिए, घर में जाइए, विचार कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नासिर को वोट दो या किसको वोट दो, या आप डिसाइड करो आपको किसको वोट देना है, अपनी खुशकिस्मती को वोट देना है, अपनी उन्नति को वोट देना है, अपनी कौम के जिंदा रहने का सबूत देना है, और अपनी कौम के लिए अगर आप अच्छा सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं, उसके लिए अगर वोट देना है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप नासिर उस्ताद को वोट देना। अगर आप आज जो देश के हालात हैं, टुकड़े टुकड़े में इस देश को बांट दिया गया,
जाति के नाम पे लड़ा दिया गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इतनी बुरी तरह लड़ा दिया कि जो हमारे आपसी जो भाईचारा था, जो सदियों से चला रहा था, आज वो खतरे में। और मुसलमान कौम एक चिंदा कौम है, मुर्दों की बस्ती में रह के भी अपने आप का परिचय देते कि हम वाकई में जिंदा हूं। क्यों? क्योंकि मुसलमान जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, लड़ता है। 313 का आप याद कीजिए, आपको मालूम होगा आपकी कौम में 313 क्या मायने रखते। 313 थे लेकिन एकता ने हजारों की भीड़ को पीछे धकेला था। ये कौम जुझारू कौम है। क्यों गफलत में आते हो? क्यों अपने वोटों को बांट के नाशुक्र इंसानों को बिठाते हो आप? हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि कुरान का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। कुरान का फरमान है कि मुसलमान कभी बिक नहीं सकता। और अल्लाह का फरमान है कि ईमान कभी झुक नहीं सकता। जो झुक गया वो मर गया। अगर दुनिया में आए हो तो सर उठा के जीना सीखो। जब अगर सर झुका के जीने से अच्छा है सर कटा लो। हुसैन इब्न अली की शहादत को याद करना। कहते हैं ना, खुदा के नूर की आवाज को कोई दबा ना सका। खुदा के नूर की आवाज को कोई दबा ना सका। नबी के घर के दिए को कोई बुझा ना सका। यजीद ढाता रहा कर बाला में सारे सितम, हुसैन इब्न अली को मगर हरा ना सका। आज यजीदों की बस्ती में आप बैठे हो लेकिन ईमान के साथ खड़े रहोगे अल्लाह आपका साथ देगा। आपको कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। खाली एक ऐसे कायद की जरूरत है आपको जो आपके लिए अपना सर कटाना भी जानता हो, आपके लिए लड़ना जानता हो, आपके लिए मरना जानता हो, और वक्त आए तो आपके लिए मरना भी जानता हो। नासिर में वो क्वालिटी है। हम उसके खिलाफ ही लड़ते आए हैं, आज उसके लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि जब हमने दगर की हालात को देखा कि आज वाकई यहां पे एक मजबूत शख्सियत की जरूरत। भाभी को बहुत इज्जत देता हूं मैं, मेरे पर्सनल रिलेशन है, मैं उनको मां का दर्जा देता हूं। लोगों ने जाना है मेरे को कि मैं उनको वाकई मां की तरह मानता हूं। कमर भाई मेरे बड़े भाई, लेकिन क्या कमर साहब के बाद क्या कोई नेता नहीं रहा गुलबर्गा में? क्यों उनको मजबूर होना पड़ता है कि हमारे घर की औरतों को हम बाहर लाएं? क्या इतने कसम कमजोर है, इतने नामर्द हो गए, इतने मुश्किल हो गए, मजबूरी में हमको लाना पड़ा? आज मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते। हम उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ये चाहते हैं कि साथ में साथ दूसरी माता और बहनों का भी सम्मान हो, उनकी असमत को लूटा ना जाए, उनकी इज्जत को बरकरार रखा जाए, उनके बच्चों को रोजगार मिले। आपको अपने घरों से कसम खाइए, आज हाथ उठा के कसम खाइए, 10 तारीख के दिन आप अपने पूरे परिवार, जितने भी वोट है आपके पड़ोस में आप लेके निकलेंगे, और मत पेटी में निशान को याद रखना। क्या है निशान? क्या है निशान? भारी वाली औरत नंबर 3, इसको कभी मत भूलना। ये 3 नंबर, ये आपके भविष्य का नंबर है, आपकी खुशियों का नंबर है। इसको याद करके जाइए, वोट दीजिए, और नासिर भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। आखिर में आप सबके लिए एक दुआ पढ़ के जाता हूं कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या गुजरे जिसे रोशन खुदा करे।